मैं गलती से पार्क में आ गई हूँ ऐसा ये बोल रहे हैं। ऐसे ही करवाऊंगा, देख लेंगे कितने दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा और कितने दिन नहीं आएगा। तो आ गई हूँ गाइस मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जिसमें है मेरा फर्स्ट डे ऑफ वॉक का। मैं जब से ग्वालियर शिफ्ट हुई हूँ तब से नहीं जाती थी, तो 1 घंटे की वॉक के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। चाय सबको मैंने बना दी है। आज मैं आपसे बैठ के ऐसा तसल्ली से बातें करूँगी। इस व्लॉग के टाइम मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग भी डालूँ। तो अभी मैंने एक तुलसी का पत्ता लिया है पानी से। मैं चाय पीती नहीं हूँ खाली पेट, शायद बनाना खाऊं ला के रख लिया अपने पास। तो आप सभी को मेरी राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। कोशिश कर रही हूँ मैं एक तरफ बढ़ाया है कि अपनी बॉडी पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बॉडी की कंडीशन, आपके माइंड की कंडीशन एक दूसरे पे डिपेंड है। तो जैसे कि जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं नींद की प्रॉब्लम से थोड़ी परेशान हूँ, कि नाइट में नींद नहीं आती। और ये कुछ 3-4 साल में ही हुआ है जब मैंने जॉब छोड़ी है। तो ट्राई करते अभी थोड़ा पानी पीऊँगी बैठ के, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करूँगी मोबाइल पे, फिर नाश्ता बनाने जाऊंगी आधा घंटे बाद, और व्लॉग देखती हूँ। कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, आज बड़ा व्लॉग सोच रही हूँ करने के लिए। और कल शिवरात्रि का भी व्लॉग आएगा, जब आप ये देख रहे होगे तब आ चुका होगा। तो जाके मेरे चैनल पे ज़रूर चेक कीजिएगा, और लिंक में भी मैं डाल दूँगी। वहाँ पे मैंने ग्वालियर के बहुत फेमस मंदिर को वीडियो बनाई है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं आगे। हो रही है सुबह के नाश्ते की तैयारी, ऑलमोस्ट बन गया है पोहा। यहाँ मैं रेडी कर दी है इनकी प्लेट, थोड़ा सा मैं भी इनके साथ खा लूँगी फिर बाद में देखूँगी। तो मैं लेके जा रही हूँ इनकी प्लेट। लंबी वीडियो बना दी, क्या कर रहा था, अपना ही व्लॉग देखा जा रहा है। तो राम राम सभी को। यहाँ पर मैं सिंधी कढ़ी की रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ ऑफिशियली। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स माय नेक्स्ट व्लॉग। आजकल मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक आइडिया से 2 करछी ऑयल लिया है। बहुत सारे कमेंट आए थे सिंधी कढ़ी रेसिपी के लिए। मैं जब भी व्लॉग डालती थी छोटे से मिनी व्लॉग में आए हुए थे 1-2 कमेंट। तो आज मैं बना भी रही थी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो मुझे ना आइडिया है, मैं 5 लोगों के लिए बनाती हूँ। तो ये 3 करछी भर के मैंने इसमें बेसन डाला है तेल में। हर कोई अपने अपने ढंग से बनाता है, ये मेरा स्टाइल है, प्लीज़ आप जज मत कीजिएगा। तो यहाँ मैं रिफाइंड ले रही हूँ, आप इसकी जगह घी ले सकते हैं या जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं। इसको अब हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि बेसन जल जाएगा नहीं तो। बेसन को हमें ब्राउन करना है। इन द मीन वाइल हम जितनी भी सब्जियां डालना चाहते हैं, जैसे सांभर में मेन इसमें 7 सब्जियां डलती हैं, बैंगन, भिंडी, आलू गोभी, टमाटर, ड्रम स्टिक डाले हैं मैंने। तो अभी जो मेरे पे अवेलेबल था मैं वही डाल रही हूँ। एक तरफ मैंने इमली टैमरिंड भिगो दी है, ताकि जब पूरी सब्जियाँ वो हो जाए, गल जाए, तब मैं डालूँगी। तो ऐसा कलर आ जाना चाहिए, तब मैं इसके अंदर 1.5 जग, जो मेरा ये जग मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कितना गाढ़ा चाहिए कितना पतला चाहिए। पहले मैंने 1 पूरा डाल दिया, अभी आधा और डालूँगी मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉयल हुई तो ये कम हो जाता है पानी। इस स्टेज पे आपको नमक और हल्दी डालनी है सिर्फ, और कुछ नहीं डालना है। ये आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा ज़्यादा ब्राउन हो गया, बट एक बॉयल आएगा ना वैसे ही कलर बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेंधा नमक ले रही हूँ, आप कोई भी नमक ले सकते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी डाल दीजिए। हल्दी कलर के लिए 1/2 चम्मच डाल सकते हैं आप,
तो यहाँ पर डाल दिया। अब इसको थोड़ा छोड़ दीजिए घुमा के, एक बॉयल आने का आपको वेट करना है। फिर हम जितनी भी कच्ची सब्जियाँ थी, अगर आप भिंडी डालेंगे तो वो फ्राई करके डाल सकते हैं, वो नहीं डालनी है कच्ची, और सब आप कच्ची भिंडी डाल सकते हैं। आप आलू गोभी भी फ्राई कर सकते हैं तो उसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है, बट मैं नहीं करती हूँ। फ्राई सब्जियाँ भी डलती है इसमें, बैंगन डलता है, आप जो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जियाँ भी डाल सकते हो, कद्दू की या जो भी आपको पसंद है वो आप सब्जी। ये एक सांबर की तरह होता है, लिक्विड ही होता है, तो सब्जियों का ही सारा इसके अंदर मेल्ट डाउन होके आ जाता है, तो सब्जियों का सूप भी कह सकते हैं इसको। और टमाटर मैं ग्राइंड करके डालती हूँ, मैंने एक टमाटर ग्राइंड करके इस स्टेज पे डाल दिया। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि सारी सब्जियाँ गल जाए। और ढकना ना आपको पूरा नहीं है, मैं भी दिखाऊंगी, मेरा थोड़ा सा बाहर आ गया था। ढक्कन को आपने आधा लगाना है ताकि जब वो बॉयल होए। अब 20 मिनट के लिए मैंने इसको बाय बाय कर दिया है। 20 मिनट बाद मैं चेक करूंगी कि मेरे आलू गोभी सब्जियां गल गए हैं। देन जो हमने इमली भिगोई थी उसका पानी रिंस करके हमको छान के डाल देना है। अब मैं पहले चेक करके आपको दिखा रही हूँ कि आलू गले हैं, या जो भी आपने सब्जी डाली है उसको आप चेक कर लो कि गल गए हैं, फिर ही इसी स्टेज पे आपको डालनी है इमली। नहीं तो आप अगर पहले डाल दोगे तो आपकी सब्जियां गलेगी नहीं। तो मैं इमली का शॉट दिखाना भूल गई थी, तो मैं थोड़ा सा फिर डाला है। इमली खट्टी होनी चाहिए, या आप टेस्ट करके इसको सेट डाउन कर सकते हैं कि कैसा सेटल करना है। तो यहाँ पे आप नमक भी चेक कर लीजिए, नमक कम है तो डाल दीजिए। फिर ये एक तड़का बनाएंगे इसको, अभी और इमली डालने के 5-10 मिनट और बॉईल करेंगे ताकि इमली का उसके अंदर अच्छे से रस मिस जाए। हींग लिया मैंने, कड़ी पत्ता, राई, और आप लाल एक सूखी मिर्च ले सकते हैं, मेथी दाना। मैं फिर एक थोड़ा सा तेल लेके अलग से तड़का पैन में तड़का दे रही हूँ ऊपर से, क्योंकि पूरी उबल उबल के सेट हो गई है बिल्कुल कड़ी। मैंने टैमरिन डालने के 10 मिनट और उबाला है, और ये लाल मिर्च डालनी है लास्ट में। ये आप देख सकते हैं, अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आप बिना लाल मिर्च के निकाल लीजिए, फिर आप एक छोटा सा तड़का लगा के लाल मिर्च डाल दीजिए। तो कलर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ कलर के लिए डालते हैं हम ये। ये अब फाइनल है, अगर आपको धनिया डालना है तो आप डाल लीजिए, क्यों मैं नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा था मेरे पास, मैंने दूसरी तरफ मेरा दूसरा खाना भी बन के रेडी था, गोभी आलू कढ़ी चावल और रोटी मैं जस्ट इसके बाद बनाऊंगी। तो फाइनली मेरा खाना बन चुका है, जिसमें से अभी रोटी रह रही है। मैं नहाने के बाद रोटी बनाऊंगी, और यहाँ मेरी कढ़ी बन चुकी है। इसकी पूरी रेसिपी मैं अलग से भी और ब्लॉग में भी शेयर कर दूंगी, ताकि जो लोग, एक दो लोगों ने क्वेश्चन करा था उनको आंसर मिल जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दिन की तरफ। नहाऊंगी, फिर मैं गुड्डा को ट्यूशन छोड़ के आऊंगी, या ये छोड़ाएंगे, दोनों में से एक टाइम लेके छोड़ के आती हूँ मैं। तो ऐसे ही करते करते 3 बज चुके हैं। मैं सोच रही हूँ 2-3 रोटी ज़्यादा बनेगी नहीं, सिर्फ पापा या इनके लिए 2-3, तो बनाने के बाद मैं नहा लूँ, रेडी होके फिर गुड्डा को उठा के खाना खिलाऊँ, क्योंकि आज मम्मी ने पूजा कर दी है। तो बहुत ही शुक्र होता है उन सासों का जो हेल्प कर देती हैं साथ में, नहीं तो हम तो मरे मरिल्ले की तरह हो जाएं। क्योंकि मतलब मैं जब जॉब करती थी तो मैं घर का काम बिल्कुल नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा नया है, काम तो कर ही लेते हैं लेट सवेर, बट अगर आप शादी कर लेते हो तो आपके पर एक जिम्मेदारी आ जाती है, बच्चा कर लेते हो तो और बड़ी जिम्मेदारी। हैट्स ऑफ है उन गर्ल्स को जो काम भी कर रही हैं, घर भी देख रही हैं बिना किसी हाउस हेल्प के। तो अब मैं रोटी बना के और फिर आपसे मिलती हूँ। अब 4:30 होने वाले, अब जाके मुझे बात हुई कि थोड़ा टाइम मिला है। पहले रोटी बना के बुड्ढा को खिलाया, फिर
और फिर उसके बैग वैग पैक करें। अब जस्ट मैं बात लेके आई हूँ, फाइनली ये गाउन वाला सीजन आने वाला है। मुझे तो बहुत पसंद है गाउन पहनना, तो आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस अगर कोई अच्छे गाउन्स के लिए मुझे सजेशन या फिर कोलैबोरेशन करना चाहेगा, तो अगर अच्छे होंगे तभी मैं उनको बताऊंगी, अदरवाइज क्योंकि मैं जितना भी सामान यूज़ करती हूँ या दिखाती हूँ मैं खुद पे यूज़ करती हूँ। देन मैं जस्ट अभी मैं मुल्तानी मिट्टी के ममार्थ फेस वॉश से फेस वॉश करके आई हूँ। अब मैं कर ही रही हूँ तो स्किन केयर भी दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन आया और आप लोगों के माइंड में भी चल रहा होगा कि मैं इतने सारे सिर फेस वॉश करने के बाद टोनर लगा रही हूँ, कि इतने सारे सीरम दिखाती हूँ तो मैं उनको यूज़ करती हूँ। तो मैं ऐसे करती हूँ, मंडे को अगर मैंने विटामिन सी लगा लिया, देन फिर हेलरोनिक लगा लिया नेक्स्ट डे, उसके बाद अभी मैं ग्लाइकोलिक एसिड नया यूज़ कर रही हूँ वो लगा लिया, डुओडर्म का मैं लैक्मे का एक बार लगाया है मैंने, उसकी तो मैंने आपसे रील भी शेयर नहीं करी। तो ऐसे ऐसे करके मैं गैप डाल डाल के एक एक दिन दो विटामिन सी आपको हफ्ते में 3 बार यूज़ करना चाहिए, तो मैं एक या दो बार तो मैक्सिमम कर लेती हूँ। तो आज मैं ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करूँगी, थोड़े से डैम्प फेस पे ही मैं लगाती हूँ। मेरा ना यही है सुबह का मॉर्निंग रूटीन कि मैं कोई भी सीरम के बाद ऐसी क्रीम लगा लेती हूँ जिसमें सनस्क्रीन हो या फिर डायरेक्ट सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। बहुत ऑप्शन है मेरे पास सनस्क्रीन के, नहीं तो मेरे पास ऐसी डे क्रीम्स भी है जिसमें सनस्क्रीन है। कि ग्लाइकोलिक एसिड लगा रही हूँ, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए लिया है। और ये आपके वही पिगमेंटेशन डल स्किन पे काम करती है। और इसकी क्वांटिटी ना बहुत कम लेनी है, मैंने हाफ पंप ली है, उसी को मैं नेक पे हर जगह स्प्रेड कर लूँगी। हर उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको SPF लगाना ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि ये मुझे बिल्कुल ही सूट कर गया। जब मैंने इसे स्टार्टिंग में 2-3 बार लगाया है तो मुझे यहाँ एक दो बम्प आए हैं, तो अभी इसका फुल वीडियो गया नहीं है। और मैं इसको अच्छे से यूज़ करके इसके ऊपर बिग फ्लश्ड वीडियो डालूंगी। और आज मैं पहली बार वॉक करने गई हूँ 5 सालों में, तो आज मेरी कमर की हालत जो हो रही है ना, बस अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे खाना भी नहीं खाना, जस्ट मैं सो जाऊँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। बट खाना नहीं खाऊंगी तो गैस्ट्रिक इशू मुझे बहुत ज़्यादा वाला है। खाना खा के अब मैं सो जाऊंगी, रात को मुझे शूट भी करना है, या अभी मुझे एक दो क्लोथ्स मेरे, हाँ मेरे चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे 7 डे की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको कॉटन के सारे टी शर्ट्स टॉप्स सूट्स ये सब बता रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल फॉलो नहीं किया तो आप मिस कर रहे हैं। और प्राइस भी ऐसे हैं 220-221, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम को भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ शॉर्ट्स में लिंक आता नहीं है, और मैं अपनी कम्युनिटी पर डालती हूँ यूट्यूब की। सोच रही हूँ कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँ पर अभी देखती हूँ। तो अब मैं खाना खाऊंगी, इसके बाद मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाऊंगी और कुछ नहीं। यही है मेरा डे केयर, लिप बाम भी लगानी है और जो बॉडी में सनस्क्रीन वगैरह वो तो सब लगाते ही हैं। ये क्रीम लगा रही हूँ सेंट बोटेन का की एंटी एजिंग, जिसमें SPF भी है, तो SPF 25 PA++ है इसके अंदर, तो मैंने कहा दिखा ही दूँ पूरा। और नेक को बिल्कुल नहीं भूलना हमने। ये ना थोड़ी वाइट कास्ट देती है क्योंकि इसमें सनस्क्रीन है। अंडर आई सीरम मुझे मिल नहीं रहा, मैं डलजियो का लगा रही हूँ, तो अभी रात को देखूंगी नाइट केयर में।
तो ये है फाइनल प्लेटिंग। आप बनाओ तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, ऑफिशियल भावना कांजवानी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके साथ पापड़ तो मस्त है, सिंधी खाना हो और पापड़ ना हो तो। यहाँ मैंने कांजी डाली थी, इसकी भी अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो बताना, अभी बहुत अच्छी लगती है ये। कुछ पार्सल आ गए थे, बहुत सारे आए हुए थे, तो एक आधा मैं इसमें ओपन कर रही हूँ, इसकी शॉट आएगा आप अलग से देख लेना। तो अब मैं जा रही हूँ गुड्डा को लेने, वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें भी लानी है। ये है मेरी स्कूटी, तो चलते हैं साथ में। यहाँ को दर्शिका को ट्यूशन से लेके मैं कुछ कॉस्मेटिक की शॉपिंग करने गई थी, एक स्टोर है थोक का, वहाँ पे मैं जाती हूँ, कुछ सामान लाई थी, उसका मैं आपको घर आके दिखाऊंगी। फिर रास्ते में दर्शिका को मैंने जूस पिलाया, कुछ तो उसे खिलाना पिलाना होता है। फिर आ गए हम घर की तरफ, यहाँ पे लिफ्ट ओपन की जा रही है, तो आ गए हैं हम। और अब दर्शिका मैडम जी बंद करेंगी और ये बोल रही है कि मेरी वीडियो बनाओ, पता नहीं क्या जिद कर रही थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। कैसे हमारे माँ बाप ने हमको हैंडल करा था। एक्चुअली जिसके लिए कड़ी बनती है ना, तो मैडम जी जब थोड़े से खा गई थी, अब चाय बन रही है, मैं तो जूस पीकर आई हूँ, तो मैडम जी के लिए फिर मम्मी कड़ी दे दो। तो अब मैं शूट कर रही हूँ कुछ कंटेंट, तो बहुत सारे पार्सल आए हुए हैं यहाँ पर, 1, 2, 3 और एक नीचे भी पड़ा है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 7 Days 7 Suggestions कॉटन के टॉप प्लस साइज़ के ये सीरीज़ मैंने शुरू करी है, तो उसी पे आप देख पाओगे कि कैसे टॉप मैं आपको दिखा रही हूँ। और एक बड़ी वीडियो में मैं सारे टॉप के ट्राई और डाल दूँगी लिंक वगैरह। तो मैं देख रही हूँ, अभी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा तो इस व्लॉग को मैं एंड कर दूँगी, अगर बड़ा हो गया होगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब फॉलो एंड शेयर माय चैनल। इनको पैक करना और फिर लपेट के रखना वापस से अलमीरा में, इट इज़ अ बिग टास्क। अभी हम जो एक वो लाए हैं, नहीं आई थी वीडियो इधर, उसमें दर्शिका आपने क्लिप लाई है, वाह चलो डांस करके दिखाओ, थोड़ा थोड़ा स्टाइल मारो। और यहाँ ये कपड़े मेरा इंतजार कर रहे, जो शिवरात्रि में पहना फेंका वो सब एकदम से, थोड़े मुझे चक्कर आ रहे थे, दिन में थोड़े से चावल खाए थे। बाय। तो चाय और एक सैंडविच था, बोलो आप नमक वाले ये खा के देखो। तो पता नहीं क्या हो गया, सैंडविच में नमक बहुत ज्यादा था, कल चटनी बनाई थी हरी, उसमें शायद थोड़ा नमक तेज था, फिर मैंने मेयोनीज लगा दी, हरी चटनी में ना हो गया इतना ज्यादा। दे दे प्लीज, मेरा मुंह नमक नमक वाला हो गया, प्लीज एक रस मांगा है, तो मतलब इतना ज्यादा वो हो रहा है, मुंह बिल्कुल जहर हो गया, इतना ज्यादा नमक था। हेलो गाइस, आज मैं क्लिप लेके आई हूं शॉपिंग करके। यहाँ पर साथ वाली फ्लैट वाली आंटी ने गोलगप्पे घर में बनाए थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैं एक टेस्ट कर रही थी, बीच में उठ के मैं खाना लेने गई थी। थैंक यू, बोलो भगवान जी को। थैंक यू भगवान जी। हाँ जोड़ के बोलो। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे खाना दिया, थैंक यू भगवान, आपने खाना खाया, बस खा लो। मेरा गुबल पता नहीं कहाँ, गोभी आलू बनाई थी हमने, पर हमें गोभी आलू नहीं खानी थी, तो हमने गोभी आलू के परांठे बना लिए, बनवा लिए, मम्मी ने बनाई। अब बेटा देख लो, मैं तो अधिक बहुत खाऊंगा। ये भागेंगे और मैं खेलूंगी, और इनको तो पता होना चाहिए ना।